जिसके कारण वो गति जो थी वो प्राप्त नहीं कर पाए। एंड व्हाट जस्ट हैपेंड, पंक के द्वारा कोई रिस्पॉन्ड है टैन को, अपने टीम को भी आगाह कर दिया, बट क्या इसकी जानकारी टैन के पास है, क्योंकि जॉनाथन ने पहला अभी के लिए नॉकआउट वहां पर निकाल दिया इसके रूप में। क्या बाकी खिलाड़ी बचे हुए जो खिलाड़ी क्या बचा पाएंगे, क्योंकि अभस बट अभी भी एक ही ओपी एचपी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या कर बैठे एक ही ओपी इन्फॉर्मेशन आपको कि आपके सामने वहां पर एक खिलाड़ी है, जॉनाथन है कौन है ये नहीं पता, लेकिन एक प्लेयर की इन्फॉर्मेशन ट्रिगर की उंगली ऑन ट्रिगर एंड ही ट्राइड टू एस्केप बट जॉनाथन के सामने से निकलना इतना आसान नहीं है। जॉनाथन ट्रिगर को तो टेक डाउन किया लेकिन काफी दूर पे भी स्प्रे कर रहे थे, बट इसी बीच रैंगोडन के बिलीव ने कवर फायर दिया और टेक डाउन किया है। टीम इन द लॉबी 27 खिलाड़ी पे थी जीवित सी बगी से आप ऐसा होते, लेकिन जॉनाथन ने स्लैम इन देना यहां पर सही समझा, टीम डब्ल्यूएसबी के सामने जरूर जाएंगे इस स्टैट पीक इस स्टैट फायर करना स्टार्ट करने के लिए 1v2 दोनों छोर से अभी के लिए प्रेशर बिल्ड करने के लिए कामयाबी, लेकिन जॉनाथन को अपन नॉकआउट, लेकिन निक्सन यानी आपके क्लच गॉड जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद वो बचा पाए तो काफी मुश्किल लगेगा, लेकिन पीछे से भी उनके ऊपर शॉट आ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर क्योंकि एक बुलेट भी यहां पर उनको डाउन करा सकती है, एक शॉट की बस वो करीबी यहाँ पर वो फाइट और वहां से कुछ ब्रेक डाले गए थे, तो जी हाँ कोई ना कोई टीम हो सकती है, लेकिन ब्रेक आउट क्या कर बैठे आप यहाँ पर, प्रोन जरूर हो रखे थे लेकिन ऐसी कोई आपके पास नहीं, जॉनाथन वो जहां पर भी उनको पिक्सल दिख रहा है वो स्प्रे कर रहे हैं और 6-7 बुलेट्स बस जैसे वहां पर नॉकआउट देखने बनेगा। बट अभी के लिए निक्सन यानी आपके नियो की बात की जाए, कोशिश और किसी कोर्ट की बात की जाए, स्पोर्ट्स के अनकोर डाउन होते हुए जेनेसिस के प्लेयर 2 भी गए हैं, हालांकि नियो डाउन हो चुका है बट विद द स्प्रे जॉनाथन